नमस्कार, आज मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह के न्यू बरगंडा में स्थित हूँ और यहाँ पे क्या गलती है वो देखिए। सबसे पहले देखिए, जो कचरा है डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन डस्टबिन में नहीं डालने का रीज़न क्या है, बाहर से ऊपर से नीचे गिरा दे रहे हैं और सब बाहर में फेंक दे रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, डस्टबिन में डालने छोड़ करके बाहर फेंक रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के जनता से अपील करना चाहते हैं कि यदि नगर निगम द्वारा यदि डस्टबिन का उपयोग दिया है तो बिल्कुल जनता लोग डस्टबिन का उपयोग करें, इधर उधर ना फेंके। जो कि यहाँ लोग का जो बड़े बड़े बिल्डिंग है तो उन लोग बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहते हैं, ऊपर से ही डस्ट फेंक देते हैं हर जगह। सही बात, दिखाइए तो देखिए, जो बिल्डिंग है वहीं से मतलब फेंकते हैं, जिसके कारण ये डस्टबिन में नहीं पहुँचते हैं और डस्टबिन में नहीं पहुँचने के कारण गंदगी फैल रही है। और बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी पहले थी, कुछ तो अभी साफ किया गया है ना? अभी जब हम देखे थे सुबह, मतलब जिस समय हम लोग जा रहे थे उस समय देखे थे तो बहुत सारा गंदी फैला था, लेकिन अभी बहुत यहाँ हमको लगता है नगर निगम द्वारा कुछ सफाई किया गया और अभी बहुत सारा ऐसा कि यदि यहाँ डस्टबिन दिया गया तो बिल्कुल डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। हम गिरिडीह के नगरवासियों से गुजारिश करें कि यदि डस्टबिन दिया तो बिल्कुल डस्टबिन का प्रयोग करें। ठीक है, आपका धन्यवाद। आइए एक और भैया हैं, क्या बताना चाहते हैं गिरिडीह में कितना गंदगी हो चुका है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल तिवारी हुआ। ये जो गंदगी फैल रहा है, इस तरह मतलब गंदगी पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? और जो देखते हैं गिरिडीह में बहुत सारी गंदगी इसी तरह मतलब फेंका जाता है, गंदगी को फैलाया जाता है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? हम सबसे पहले गिरिडीह नगर वासियों से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पे नगर निगम के द्वारा डस्टबिन दिया गया है सभी लोग डस्टबिन पे ही कचरा डालें, अन्यथा रोड पर फेंक देने से कचरा इधर उधर होने से शहर में गंदगी फैलती है और बीमारी उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसलिए सभी जनताओं से अपील करता हूँ कि सभी लोग डस्टबिन में ही कचरा फेंकें। नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उसमें चुनाव में सभी लोग एक्टिव रहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो सफाई है इसका देखभाल नहीं करते, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, जो ये गंदगी फैल रही है इसके पीछे सबसे पहले जो जिम्मेवार है वो नगर निगम है। पब्लिक के पास कचरा है तो फेंकेगा ही, और पब्लिक पूरा डिसिप्लिन रहेगा, पूरे सिस्टम में फेंकेगा, ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पब्लिक अपनी जो लापरवाही है वो क्यों नहीं फेंकेगा डिसिप्लिन में? फेंकना चाहिए, मैं इस बात का आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि फेंकना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को ये बात देखना होगा ऊपर में जो भी है जो शहर को मैनेज करते हैं कि पब्लिक लापरवाह है। इस लापरवाह पब्लिक को कैसे आप डिसिप्लिन करते हैं, और डिसिप्लिन नहीं करते हैं तो उसमें आप क्या एक्शन लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे लोग फेंक रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या सरकार लेना एक्शन, तो नगर निगम को है, तो नगर निगम एक्शन ले नहीं रही है। नहीं ले रहे, मतलब देखने के लिए नहीं आते नगर निगम? नगर निगम तो कभी कहाँ दिखते, कभी नहीं दिखती, कचरा तो हमेशा फेंका हुआ रहता है बहुत दिन, ये हमेशा गमक रहा है। आप रिपोर्टिंग करने आ जाए हैं, ये तो कचरा जो दिख रहा है आपको, ये कचरा हमेशा दिखता है। कचरा को दिखाई देखिए, कचरा, ये जो कचरा है मतलब हमेशा के लिए इसी तरह रहता है। हाँ, ये कचरा हमेशा हमेशा ऐसा रहता है, मतलब ये कचरा इतना अभी मान लीजिए एक सप्ताह दो दिन के बाद अगर फेंक भी दिए तो दो दिन के बाद फिर जमा हो जाता है, और गाड़ी रेगुलर आती नहीं है, आती होता है रेगुलर नहीं आती। समस्या क्या कि गाड़ी भी रेगुलर नहीं आते कचरा को उठाने के लिए, डस्टबिन में लोग कचरा फेंक ही नहीं रहे, तो सबसे पहले लोगों का भी गलती है, लेकिन जो यहाँ के नगर निगम के जो लोग हैं उन लोग भी ये साफ करने के लिए रेगुलर नहीं आते। आइए कुछ और भैया से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी शिवम कुमार। क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गंदगी फैलाया जा रहा है इसके बारे में, गंदगी से ही बीमारी उत्पन्न होता है, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि डेली रेगुलर तौर पर गाड़ी आए, और हाँ पब्लिक का भी गलती है कि कचरा को इधर उधर ना नहीं फेंकना चाहिए, और नगर निगम को जागरूकता पब्लिक में। एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, नगर निगम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सुबह शाम दो बार उसको आना चाहिए, तो क्या ये सुबह शाम सुबह गाड़ी आई है, और अगर सुबह आई है तो ये जो कचरा दिख रहा है जितना मक्खी भिन भिना से नज़र आ रहा है, ये लग नहीं रहा है कि कचरा सुबह में यहाँ से उठा है, तो सुबह में आज नहीं उठा है तो सुबह क्यों नहीं उठा है, और इस तरह का लापरवाही कब कब कितने दिनों में यहाँ से कचरा उठता है? नगर निगम के पास कुछ तो रूटीन होगा कि सुबह शाम हम कचरा यहाँ से निकालेंगे, या कुछ तो रूटीन होगा, तो रूटीन में अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो नगर निगम की सारी गलती नहीं है, गलती तो ये जिसमें जो सफाई कर्मी जो इसके लिए इस वार्ड के लिए जो डेप्यूटेड होंगे जो जिनको ये काम दिया गया होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो नगर निगम को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना दिखाना चाहिए, और जो काम जिसको यहाँ वो यहाँ दिया है काम उसके प्रति भी जवाबदेही जो है सो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को वो दोनों तरफ देखे, जो यहाँ जिसको ये डेप्यूट किए हैं, जो यहाँ है जिसको अपॉइंट किए हैं वो भी, और ऊपर से मेयर भी देखे, और बाकी जैसे कि ये तो बहुत अच्छे बात आप बता रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक वो कचरा फैला रहे हैं, सबसे पहले पब्लिक का भी गलती है, लेकिन जो यहाँ के नगर निगम के जो लोग हैं उन लोग भी फोकस बात
पब्लिक इस तरह का डिसिप्लिन जो है पूरी फुल्ली डिसिप्लिन पब्लिक मेरे पास हमारे पास नहीं है, आपको ये बात मानना होगा। मेन बात आप यहाँ ये है कि आपके पास सुबह और शाम ये दो समय जो गाड़ी आनी चाहिए वो आई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो किस कारणों से नहीं आई, आपको पड़ताल इस बात की करनी चाहिए। आप नगर निगम जाइए और इस बात की जानकारी करिए कि सुबह शाम दो जो गाड़ी आनी चाहिए वो क्यों नहीं आई, बात यही है और कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं यही। धन्यवाद आपका। जैसे कि ए बी सी बता रहे हैं कि अगर नगर निगम का यहाँ पे देखभाल करने के लिए सुबह शाम अगर आएंगे तो इस तरह का जो कचरा है, अभी तो कचरा कम है लेकिन आने वाले समय में कचरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्या भैया? देखिए, जैसे अभी भैया बता रहे थे कि नगर निगम को देखना चाहिए, तो बिल्कुल वो पूरा नगर में देखने सकते हैं। यहाँ पे एक वार्ड का चुनाव होता है तो वार्ड को भी देखना चाहिए कि मेरा वार्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और सबसे पहला चीज़ कि हम सबसे दोषी लगाएंगे कि पब्लिक को, कि पब्लिक यदि डस्टबिन दिया गया तो बिल्कुल आप डस्टबिन का प्रयोग करें, डस्टबिन से बाहर आप कचरा ना फेंकें, बस। धन्यवाद आपका। ये भी मतलब बात बिल्कुल सही है, अगर डस्टबिन यहाँ पे मौजूद है तो पब्लिक को ये इतना जानकारी होना चाहिए कि डस्टबिन में आप कचरा को फेंकें और सफाई रखें, क्योंकि सफाई अगर नहीं रखेगा तो बीमारी उत्पन्न होगा। और नगर निगम से अपील है कि कृपया करके सुबह और शाम आने का प्रयास कीजिए और इन कचरों को साफ करने का प्रयास कीजिए और बने रहिए समाधान इंडिया के साथ, क्योंकि समाधान इंडिया हर एक समस्या का समाधान निकालेगा। जहाँ भी समस्या होगा वहाँ जाएगा समाधान इंडिया। धन्यवाद।